भारतीय जनता पार्टी जिला रोहतक इकाई ने आज संसद में जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 और 35 ए हटाए जाने की खुशी में लड्डू बांटकर व ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए खुशी मनाई। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35 ए हटाने तथा जम्मू कश्मीर व लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाकर देश के सिर पर सोने का ताज रखा है। जम्मू कश्मीर भारत के सिर का ताज है, जिसे आज केंद्र सरकार ने संसद में पूर्ण रूप से मोहर लगा दी। भारत एक मजबूत देश है तथा अपने दुश्मनों की नापाक हरकतों को समाप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने एक ही झटके में कश्मीर की समस्या को हल कर दिया, जिससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट ऑफिस है यहाँ हमारे रोहतक में, वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, सभी हमारे नेतृत्व जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने मिलकर खुशी जाहिर की है। लड्डू बांटे हैं, पटाखे फोड़ के अपनी एक तरीके से खुशी जाहिर की है। और ये खुशी का माहौल केवल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये एक एज ए त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। और इस बात से ये साबित हो गया है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता से वोट लिया था, जो जनता का विश्वास पाने के लिए उन्होंने जो नियति रखी थी, जो उन्होंने ये कहा था कि आप मुझ पर विश्वास जताइए, मैं आपको कभी आपकी वोट को, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, तो उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि आज से पहले जितनी भी सरकारें आई, सब ने वोट बैंक को देखते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। और ये एक ऐतिहासिक फैसला पूरे अपने भारतवर्ष में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि 5 अगस्त को ये ऐतिहासिक फैसला हुआ था। और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी का और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा हमारे रोहतक के मंत्री जी मनीष ग्रोवर जी का पूरा पूरा सहयोग हुआ। इसी कारण आज पूरा भारतवर्ष खुशी की लहर दौड़ी हुई है। और ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सक्षम है, और इसी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही सक्षम है। धन्यवाद जी। बंसल जी, बताएं आज हटाई गई है जम्मू कश्मीर, क्या कहना चाहिए जी, बताएं। ये एक मजबूत प्रधानमंत्री का एक मजबूत निर्णय है। आम आदमी, आम जनता ये सोचती थी कि ये हो नहीं सकता, मगर आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास जताया 2014 में जताया, 2019 में 14 से जो फालतू सीट हमें दी, तो लोगों ने प्रधानमंत्री की बातों पे यकीन करके ही दी ना। तो प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन करके जो बहुमत हमें दिया, और धीरे धीरे हमारा राज्य सभा में बहुमत हो गया है या होने वाला है, तो उसके बाद सरकार सख्त निर्णय लेने में जो देश हित में है सक्षम है। पहले ले नहीं पा रही थी, क्लियर मेजोरिटी की सरकार है हमारी, सख्त निर्णय सरकार ने लिया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। भिन्न भिन्न पार्टियां, जो विरोध की पार्टियां भी थी, बहुत लोगों ने समर्थन दिया है, 2-4 लोगों ने विरोध में बोला भी है, उनका काम है बोलना, मगर देश हित में ये बहुत बड़ा निर्णय है। जनसंघ की स्थापना इस बात पर हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर में जब वो जाने नहीं देते थे, परमिट सिस्टम था उसको उन्होंने गिरफ्तारी दी। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर की जेल में देहांत हुआ, उस समय भी यही आंदोलन था। हम जब से इसका विरोध करते आ रहे थे, आज हम सक्षम हुए हैं अपनी सरकार के माध्यम से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये धारा 370 को जो हटाया है, काबिल तारीफ़ है, पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है।